सो so, हेलो दोस्तों जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम सब वॉरेन वफे साहब का नाम लेते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं ऐसे लोग भी इस दुनिया में जो वॉरेन वफे साहब से टू टाइम्स दो गुना ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं कहाँ से शेयर मार्केट से बिल्कुल आपने सही सुना वॉरेन वफी साहब बीस के आसपास ऑन एन एवरेज रिटर्न लेते हैं मार्केट से और उन्हीं के साथ एक और शख्स हैं जिनका मैं डिस्कशन करूंगा आज इस वीडियो में जो वॉरेन वफी साहब से लगभग लगभग दो गुना यानी चालीस परसेंट का रिटर्न लेते हैं लेकिन दोनों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों के बारे में हम लोग आज जानेंगे दोनों की प्रेजेंट एज क्या है दोनों की जर्नी कब से स्टार्ट हुई किसके पास कितना वर्थ है कंप्लीट डिटेल जानेंगे दोनों की स्टाइल क्या है क्या क्या, क्या करते हैं सो दैट यू कैन प्लान विद द यू नो विद द हेल्प ऑफ दो दोस्ट टू यू नो वर्ल्ड के टॉपस्ट टॉप रिचेस्ट पर्सन के हेल्प से कोई देख के को जान के आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को थोड़ा बहुत इन लाइन कर सकते हो कोशिश कर सकते हो कि उनके जैसा बनो या हो सकता है उनसे बेटर कर पाओ तो जानते हैं दोनों के बारे में एक है जिम सीमोन्स आप जिम सीमोन्स ये और दूसरे हैं आपको पता वॉरेन बफे साहब दोनों के डिटेल दोनों के बारे में डिटेल जानते हैं दोनों का बैकग्राउंड क्या है जिम सिमोन साहब एक मैथमेटिशियन थे एंड हेज फंड मैनेजर मैथमेटिशियन एंड हेज फंड मैनेजर है दोनों वॉरेन बफे साहब क्या है इन्वेस्टर है एंड सीईओ ऑफ़ बर्कशायर हाथवे इनकी कंपनी जो है उसके सीईओ हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है जिम सिमो साहब का इन्वेस्टमेंट अप्रोच वही है जो मेरी डिग्री है क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट से मैंने मास्टर किया आई कानपुर से यह भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच इनका जिम सिमो साहब है इनका भी क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एंड मैथमेटिकल मॉडल्स है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मैथमेटिकल मॉडल है इनका जिम सिमो साहब का और वॉरन बफे साहब का वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड अंडर वैल्यूड कंपनीज में पैसे डालते थे उसको जान के उसको समझ के उनका फंडामेंटल समझ के उनका मैनेजमेंट समझ के तो उस पे वो डिटेल में डालते थे फंडामेंटल्स क्या होता है इसके लिए वीडियो बना रखी है उसको देखिएगा जरूर और हाँ इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट फॉर्म क्या है जीज हेज फंड है इनका जिम सिमोन्स का और बरकसायर हाथवे ये है किसका वारन बफे साहब का उसके बाद कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है यार जिम सिमो साहब अक्सर प्राइवेट रहते हैं रेयरली वो अपना इन्वेस्टमेंट इनसाइट शेयर करते हैं किसी के साथ पब्लिकली जबकि वारन वफी साहब प्रोमिनंट है बहुत ज़्यादा एनुअल शेयर होल्डिंग मीटिंग्स में आप देखे होंगे कई सारे उनके इंटरव्यूज़ हैं इंटरनेट पे जो आपको मिल जाएंगे आ, उसके बाद फिलहाल थ्रोपिक थ्रोपी क्या है मतलब वो परोपकार क्या करना चाहते हैं उसके बारे में जान लीजिए जिम सिमो साहब साइंस पे फोकस करते हैं और मैथमेटिक्स के एजुकेशन पर ज़्यादा बल देते हैं उसमें दान वगैरह करते रहते हैं वारन वफी साहब प्रोमिनेंट फिलानथ्रोपिक एफर्ट्स इनके होते हैं प्लेस टू गिव मोस्ट ऑफ हिज मनी टू द सोसाइटी ये इन्होंने पहले से प्लेज कर रखा है उसके बाद नोटेबल अचीवमेंट्स क्या है दोनों का जिम सिम्हू साहब ने एक्सेप्सनल रिटर्न निकाले हैं कहाँ से मार्केट से विथ क्वान्टिटेटिव स्ट्रैटीज और वाराणी साहब इज नो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक प्रजेंस लोग प्रोफाइल किसकी होती है जिम सिमोन साहब की ये मीडिया अटेंशन को अवॉइड करते हैं उसके बाद दूसरा वॉरेन वफी साहब हाई वैल्यूड हैं हाई प्रोफाइल हैं मीडिया इंटरव्यूज़ और एनुअल रिपोर्ट्स में ये दिख जाते हैं उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है तो जिम सिमोन साहब के इन्वेस्टमेंट होराइजन है कैन इन्वॉल्व शॉर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेटजीज में और वॉरेन वफी साहब इंबेसाइज लॉग ही इंफसाइजेज लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक किसी भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं Warren Buffett return कितना जनरेट करते हैं दो गुना लगभग चालीस परसेंट एनुअली रिटर्न जनरेट करते हैं वेयर एज एवरेज रिटर्न वारन बफे साहब का बीस परसेंट हालांकि वह कंपाउंड करते 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 बहुत आगे निकल जाता है एज ऑफ एंट्री क्या है एज ऑफ एंट्री थी इन्होंने पहले जिम सिम्हो साहब पहले मैथमेटिशियन थे उसके बाद वो ही टर्न देन इन्वेस्टर उसके बाद हेज फंड से मैथमेटिकल मॉडल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ट्रेडिंग स्टार्ट किया और ये जनरेट किया यानी लेट स्टार्ट किया इट मीनस मुझे जहाँ तक याद आ रहा हूँ फिफ्टी प्लस पे थे वो तब जब उन्होंने स्टार्ट किया उधर और ये साहब वॉरेन वफे साहब तो बहुत जल्दी स्टार्ट किया उन्होंने पच्चीस साल की उम्र में कंपनी बना ली बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव पर प्रेजेंट एज क्या है तो जिम सिमोन साहब नाइनटीन थर्टी एट में जन्मे थे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पे इनकी एज एटी फाइव ईयर्स है जबकि नाइनटीन थर्टी को जन्मे नाइनटी थ्री ईयर्स ओल्ड हैं वारन बफे साहब तिरानवे साल दोनों की नेटवर्थ क्या है नेटवर्थ जिम सिमोस का साहब की 24 बिलियन डॉलर है एक बिलियन मतलब आठ हजार करोड़ के लगभग तो 24 बिलियन डॉलर और वॉरेन बफे साहब का जो नेटवर्थ है ही इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट वन ऑफ द नहीं ही इज़ द ओनली रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज एन इंडिविजुअल और उनकी जो वर्थ है वो उनका जो वैल्यूएशन है उनके पास जो पैसे हैं वो सौ बिलियन डॉलर यानी एक बिलियन डॉलर मतलब आठ हज़ार करोड़ सौ बिलियन आप कर लो तो आठ लाख करोड़ डॉलर है वारन बफे साहब की कमाई सो so, यहाँ से आप कुछ सीख ले सकते हैं तो ले लीजिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर